भयंकर बंदा। तकरीबन 1 बजे मुल्तानों निकलिया, तो हूँ बज गए 5:30। 3 घंटे पहुंचा, तो इन्हें सानू यही कही रखा कि मैं लाहौर मोड़ हाँ, मैं लाहौर मोड़ हाँ। हूँ यदा लाहौर मोड़ कि नहीं सानू समझ आई। हूँ इधर रोटी भी मुक चली आ, ये भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पे। हम लोग वहाँ पे कुछ खाना बनाएंगे, खाना बना के हम सब वहाँ पे खाएंगे और मौजें करेंगे। आज की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हमने मंजिल पर पहुंचे तो वहां पे चटाई बिछाई, सामान को सेट किया। सबसे पहले हमने प्याज छील लिया, लहसुन को छील लिया और अदरक जो था उसको काट लिया। यहां पर ज़्यादा हमने इसको फाइन नहीं काटा, बिल्कुल मोटा मोटा सा काट लिया, क्योंकि प्रेशर कुकर लगाना है हमने पहले थोड़ी देर। और मेरे पास 1/2 किलो टमाटर हैं, थोड़ी सी सब्ज मिर्चियाँ हैं, इनको हमने यहाँ पर धो लिया है। और यहाँ पर मेरे पास 2 किलो बीफ है, हड्डी के साथ है, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया और इसको हमने थोड़ा सा सिरका लगा के वाश कर लिया था। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 से 1.5 इंच अदरक है और 2 से 3 प्याज हैं, उनको हमने इस तरह से मोटा मोटा ही काट लिया है। और टमाटर जो है उनको भी बस 2 हिस्सों में काट लेंगे, उसका जो टॉप वाला हिस्सा है उसको काट के साइड में कर देंगे, बाकी जो टमाटर हैं उनको 2 पीसों में बांट लेंगे। यहाँ पर मेरे पास बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, बादियान, धनिया, काली मिर्च और छोटी इलायची और 2-4 लौंग, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। ये खड़े मसाले हैं, ये इसके जो स्मेल है उसको अच्छे से ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी इतना डालना है कि ये सारे इसमें डिप हो जाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक हमने हसबे जायका डालना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। एक बार इसको मिक्स कर देना है यहाँ पर, और मिक्स करने के बाद हमने इसका ढकना लगाना है। और ढकना लगाने के बाद हमने इसको प्रेशर को चूल्हे के ऊपर रखना है, और चूल्हे पे रख के हमने इसको तकरीबन 15 मिनट सीटी बजने के बाद हमने पकाना है। और यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ थी तो उसकी वजह से हमें चूल्हा जो है वो थोड़ा सा जगह उसकी चेंज करनी पड़ी, एक साइड में लेके गए हम उसको, बिल्कुल ट्यूबवेल की नाली है उसके साथ हमने रखा ताकि हवा ना लगे और आग जो है वो अच्छे से काम करे। तो हमने इस तरह से ये देखें साइड में लगा लिया था, काफ़ी मुश्किल आई हमें यहाँ पे वीडियो बनाते हुए। यहाँ पर हमने इसको 15 मिनट सीटी बजने के बाद पका लिया था और इसका प्रेशर निकल गया। अब हम इसको लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई में, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनने वाली है बीफ की ये वाली, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बीफ की कढ़ाई में डाल लेना। और इसके बाद हमने इसमें जितना पानी है इसको हाई फ्लेम के ऊपर खुशक करना है, इसको निकालना नहीं है। और अगर आप यखनी पीना चाहते हैं, घर में कोई मरीज़ है या किसी को कोई मसला है तो उसको ये यखनी देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। यहाँ पर देखें गोश्त भी जो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है तकरीबन 90% तक, बाकी जो 10% है वो यहाँ पे जब हम पानी खुश करेंगे तो पक जाएगा। तो ये देखें पानी हमने हाई फ्लेम पे खुश करना है और चम्मच जो है वो ज़्यादा नहीं चलाना आपने यहाँ पर।
इसके साथ ही कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थोड़े से मसाले डालेंगे, यहाँ पे एक टेबलस्पून मैंने भुना हुआ जीरा डाला है कुटा हुआ, और उसके साथ ही लाल मिर्च कुटी हुई एक खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी डाल दी हमने, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला है आधा खाने का चम्मच वो भी डाल देना है, और काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च का जो पाउडर होता है हमने साबुत भी डाली है, यहाँ पे पाउडर भी डाल दिया, और नमक इसमें थोड़ा सा कम था तो मैंने हसबे जायका थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुछ ऑयल जो है वो गोश्त में से भी रिलीज हो गया है जो उसमें फैट होती है, और यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया, और 4-5 हरी मिर्चें इनको कट लगा के इसमें डाल दिया है। अब इनकी भुनाई करनी है, और जो मसाले होते हैं वो ज़्यादातर उसी वक्त डाले जाते हैं जब आप कुकिंग ऑयल डालते हैं। अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसमें जितना पानी है वो ड्राई हो जाए और मसालों की भुनाई इसमें हो जाए। तो तकरीबन हमें ये टोटल प्रोसेस जो है वो 1 घंटा लगा था। 2 किलो बीफ था हमारे पास, देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है यहाँ पे, बर्फ पानी के चाय पीने के हमें बहुत। और मुश्किल हमें ये हुई थी कि हवा चल रही थी तो हमें चूल्हा चलाने के लिए फिर लड़कों को खड़ा करना पड़ा, और ये देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है, मसाले जो हैं वो घी में अब भुनाई हो रही है। तो इसी पॉइंट पे हमारे पास 300 ग्राम दही है, दही इसमें डाल देंगे। दही जो है इसमें ग्रेवी का काम भी करेगा, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए तभी जाके खाना जो है मज़ेदार लगता है। दही को पहले आपने फेंट लेना है, और कोशिश करें खट्टी दही ना हो, दही जो है वो अच्छे वाली हो। अब इस दही का पानी जो है वो खुश करेंगे, और दही जब डालते हैं तब आप चूल्हा का जो फ्लेम है उसको स्लो कर लिया करें, नहीं तो दही जो है वो फट जाती है, वो दाने दाने रह जाते हैं। आज हवा बहुत तेज़ थी और यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये देखे 3 लोग चटाई पकड़ के खड़े हैं तब हमारा खाना बन रहा है, और वो भी टर्बाइन के बिल्कुल साथ। तो ये देखें यहाँ पर दही का पानी जो है वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, और अब हमने इसमें थोड़े से और मसाले डालने, जिसमें सब्ज धनिया और अदरक है, कोई ख़ास मसाले नहीं है, मसाले वही थे जो शुरू में हमने इसमें ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा सब्ज धनिया स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ा सा स्लाइस में कटा हुआ अदरक है जुलियन कटा हुआ वो इसमें डाल देंगे, गार्निश करने के लिए बहुत ही लाजवाब है। इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे, और हमारी जो कढ़ाई है वो हो गई है रेडी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही लाजवाब थी और हमारा ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। उम्मीद है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लेके आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।